यमुनानगर से बड़ी खबर है। यमुना में डूबे पांच युवकों में दो का शव जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पांच युवक यमुना नदी में डूब गए थे। आपको बता दें कि गिरोह ने किया था नहाने के दौरान हमला। साहिल और निखिल का शव अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। जो तीन और युवक डूबे हुए हैं उनकी तलाश भी पुलिस अब कर रही है। आपको यह भी बता दें कि अब एनडीआरएफ ने यह मोर्चा संभाला हुआ है और 12 घंटे बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। दो युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पांच बच्चे डूबे थे और उनमें से क्या है, एक बच्चा निखिल गुप्ता की है, उसकी अभी एनडीआरएफ की टीम और एक लोकल टीम है हमारी, राजीव लड़का है, उसकी टीम के साथ लगे हैं, जिन्होंने एक डेड बॉडी को निकाल दी है और बाकी चार की तलाश है और उसको भी जल्दी रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारी टीम में जो डीप डाइवर हैं वो गोताखोरी द्वारा भी सर्च कराया जा रहा है, मोटर बोट्स द्वारा हावरिंग क्रिएट करके भी सर्च किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की टीम और सिविलियंस की लोकल टीम और यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम है और लोकल गोताखोरी की टीम भी लगी हुई है। राजीव गोताखोर मेरी यमुनानगर में टीम है, सबसे पुरानी 25 से 30 साल पुरानी हमारे उस्ताद जी की, सुखराम जी की, ये सर और हम, ये जितनी भी टीम है इनकी सर की, हम डेड बॉडी ढूंढ रहे थे। ये डेड बॉडी मैंने पेड़ के नीचे, राजीव मेरा नाम है, ये डेड बॉडी हमने पेड़ के नीचे से निकाल दी, ये सर और मैंने दोनों ने निकाल दी डेड बॉडी। पांच बच्चे डूबे थे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये यमुनानगर से बड़ी खबर है और यमुना में डूबे पांच युवकों में से दो का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं पांच युवक यमुना नदी में डूब गए थे। एक गिरोह ने नहाने के दौरान इन पर हमला किया था। तो आपसी रंजिश के तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है, यह परिवार वालों का कहना है। और आपको बता दें कि नदी में नहाने गए थे, 10 युवकों पर हमला हुआ था।